Hello everyone. In our previous lesson, we had learned about fourth lesson that is classification of nouns gender. It means in that in that lesson we had learned about the masculine gender and feminine gender. What is meant by masculine gender? Those words which comes for males that is called masculine gender and those words which comes in the sentence that are uh, females that is called feminine gender. Okay.

in our second lesson we had learned the nouns different types of nouns it means uh, names of naming words which are the naming words animals name birds name places name uh, persons name there are so many names okay and that is called we nouns okay so one more important part of that noun that is proper noun and common noun here also the different between nouns uh, there are also just we can say पार्ट ऑफ दैट नाउन्स दैट फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन एंड सेकेंड इज कॉमन नाउन सो लेट इस वी विल सी वॉट इज मीन बाय प्रॉपर नाउन एंड वॉट इज मीन बाय कॉमन नाउन्स सो लुक एट दिस लाइन प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सनस प्लेसेस और थिंग्स प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है कि पर्सन का प्लेसेस का या फिर थिंग्स का किसी भी व्यक्ति का किसी भी जगह का या फिर किसी भी वस्तु का पर्टिकुलर नाम मतलब फिक्स नाम जो होता है उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउंस ओके और प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विथ अ कैपिटल लेटर जब भी हम किसी भी सेंटेंस में नाउन्स देखते हैं जो नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है उसे हम प्रॉपर नाउन्स बोलते हैं ओके इट मीन्स प्रॉपर नाउन जो भी होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए जाते हैं ओके You can see in these pictures here the name of boy Rishu, the name of dog Max, the name of woman Mrs. Rekha, the name of man Mr. Raman, the name of girl Neha, and the name of doggy that is called Martin. It means here we can see all the names that write that return with. कैपिटल लेटर्स ओके इट मीन these ऑल नेम्स इंक्लूडिंग into proper प्रॉपर because बिकॉज दे आर फिक्स नेम ऑफ दैट पर्सन ऑफ दैट एनिमल ओके यहाँ पे जो भी नाम्स आपको दिए हैं ना यहाँ पे पिक्चर्स में उस पर्सन के नाम उस जो भी एनिमल है उनके नाम तो वो नाम उनके फिक्स नाम है ओके okay? इसलिए उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउम्स एंड ये जो भी प्रॉपर नाउम्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट किए जाते हैं नाउ लेटर सी हियर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सनस आर प्रॉपर नाउंस जो भी पर्सनस के नाम हैं वो प्रॉपर नाउन है द नेम्स ऑफ पेट्स आर प्रॉपर नाउंस जो भी हमारे पेट्स uh, एनिमल होते हैं उनके भी जो नाम हम रखते हैं तो वो भी प्रॉपर नाउन में आते हैं द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन जो भी प्लेस होते हैं मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो विच आर द प्लेसेस यहाँ पे देखो कुल्लू मनाली नेक्स्ट ईयर कालका and next year Shimla and next year Lines and also here you can see Model Town. it means these are the places nouns so it also including into proper nouns and it also start with a capital letter in short me आपको बच्चों यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो भी persons के नाम होते हैं जो places के नाम होते हो हैं और जो भी things के नाम होते हैं वे सारे nouns प्रॉपर नाउंस में आते हैं और ये जो प्रॉपर नाउंस होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है ओके होप सी अंडरस्टैंड सो लेट अस सी हियर यू हैव गिवन सम ऑफ द एक्सरसाइज दैट हियर वन ऑफ द क्वेश्चन फॉर यू फाइंड द प्रॉपर नाउन इन ईच सेंटेंस यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपको दिए हैं तो आपको क्या करना है उस सेंटेंस में से जो भी प्रॉपर नाउन है उसको फाइंड आउट करना है और उसके नीचे अंडरलाइन करना है ओके सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल हियर राधा हैज़ अ डॉल दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल राधा हैज़ अ डॉल देन विच इज द प्रॉपर नाउन येस राधा दिस इज अवर प्रॉपर नाउन बिकॉज राधा ये जो नाउन है वो एक लड़की का नाम है फिक्स नाम है तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन सो लेटेज सी द सेकेंड एग्जाम्पल मुंबई इज अग सिटी मुंबई इज अग सिटी हियर वी कैन सी द मुंबई वर्ड एंड मुंबई इज अ नेम ऑफ प्लेस and this name of place is including into proper nouns because it is a name of place as well as fixed name of that place okay so let us see the third example mr kapoor is a doctor mr kapoor is a doctor it means mr kapoor we can see here person's name so it is also proper noun and these all proper nouns start with a capital letter यू कैन सी हियर राधा का आर कैपिटल है मुंबई का यम कैपिटल है मिस्टर कपूर का यम बी कैपिटल और के बी कैपिटल है इट मीन्स जो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है ये आपको ध्यान में रखना है सो लेट अस सी द फोर्थ एग्जाम्पल दिस इज लूज दिस इज लकी माई डॉग ये लकी है पर कौन है ये माई डॉग है मतलब यहाँ पे लकी ये जो नाम है वो किसका है डॉग का नाम है ओके सो डॉग ये डॉग है पर डॉग का फिक्स नाम क्या है लकी है इसलिए ये लकी नाम जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है ओके स्टूडेंट्स सो अस सी द फिफ्थ एग्जांपल दैट इज गोपी अवर काउ ओके अभी यहाँ पे भी देखो दैट इज गोपी वह गोपी है कौन अवर काओ हमारी गाय तो यहाँ पे गाय का नाम क्या है गोपी है सो so, गाय ये भी नाम है पर ये कॉमन नाउन में आएगा ओके okay, सबको पता है गाय है पर उस गाय का स्पेशल नाम क्या है गोपी है ओके okay? सो so, गोपी दिस इज अ फिक्सड नाउन नाउन ऑफ दैट एनिमल सो गोपी इट इज प्रॉपर नाउन सो लास्ट एग्जांपल यू कैन सी हियर सिक्स मिस रजनी इज अ टीचर मिस रजनी इज अ टीचर मिस रजनी जो है वो टीचर है टीचर है ये पता है पर कौन टीचर है मिस रजनी है मतलब उसका एक स्पेशल नाम है तो मिस रजनी दिस इज आवर प्रॉपर नाउ In this way, you can identify the in the in these all sentences which are your proper nouns, okay, of that sentence. So you have to underline of that proper nouns of each sentence. Hope you understand. Now look at the next page number, page 81. You have given some of the pictures. So let us see here carefully. Here you have given first number, first picture. Here one boy and uh, with his animal. So this boy name is Rahul. Second home and uh, this boy name is Sanjay. Third home this girl name is jessie and fourth home that girl name is Rosie and it has also animal. Okay. So look at these pictures and use proper nouns to each answer each question. So I have given you proper nouns रोजी ये गर्ल का नाम ये भी प्रॉपर नाउन है जैसी प्रॉपर नाउन है संजय और राहुल ये हमारे प्रॉपर नाउन्स दिए हैं तो आपको कुछ इस इस पिक्चर्स में ऑब्जर्व करना है और आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर देना है सो लुक एट हियर फर्स्ट क्वेश्चन हु लिव्स एट नंबर थ्री नंबर थ्री में कौन रहता है सो लुक एट द नंबर थ्री होम यस दिस इज थ्री नंबर एंड हु लिव्स इन नंबर थ्री जैसी सो यर आंसर इज जैसी लिव्स इन नंबर थ्री सो राइट हियर जैसी सेकेंड क्वेश्चन हु लिव्स एट नंबर टू नंबर टू में कौन रहता है सो लुक एट द नंबर हाउस एंड हियर यू हैव गिवन संजय दिस इज अ प्रॉपर नाउन सो संजय लिव्स इन टू नंबर ओके थर्ड क्वेश्चन हु लिव्स एट नंबर वन नंबर वन में कौन रहता है सो लुक एट वन नंबर एंड टेल द आंसर राहुल क्वेश्चन नंबर फोर्थ हु लिव्स एट नंबर नंबर में कौन रहता है सो लुक एट हियर नंबर फोर एंड टेल द आंसर रोजी ओके सो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हु हैज अ डॉग डॉग किसके पास है सो लेट अस सी केयरफुली ऑफ द पिक्चर्स नंबर वन एंड राहुल हैज अ डॉग यू कैन सी हेयर डॉग्स पिक्चर सो योअर आंसर इज राहुल हैज अ डॉग ओके एंड लास्ट क्वेश्चन हु हैज अ कैट किसके पास कैट है सो यू कैन सी हेयर एनिमल ऑफ द फोर्थ पिक्चर विच इज रोजी ओके सो रोज़ी हैज अ कैट इन दिस वे यू कैन यू जस्ट ऑब्जर्व ऑफ दिस पिक्चर्स एंड राइट Give the answer of these questions. Okay. Now look at here. Use proper nouns to answer the following. यहाँ पे कुछ questions दिए है तो उसमें आपको proper noun का answer देना है तो इसका आंसर देने के लिए आपको यहाँ पे nouns नाउन्स दिए हैं. फर्स्ट नेम है मिडल नेम है, है और लास्ट नेम है जिस तरह से हम हमारे नाम बताते हैं ना फुल नेम तो वो यहाँ पे फुल नेम दिया है और आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे गए हैं तो उसका आंसर आपको देना है इसके जरिए So let us see the first exam uh, question. What is your first name? So you have to write the first name of this. Okay, not your. Anil. You can write here. What is your first name? Anil. As also you can write your name. No problem. Okay. आप आपका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे जो नाम दिया है वो भी नाम यहाँ पे write down कर सकते हो. No problem. Second question. What is your last name? आपका last name क्या है? It means surname जिसे हम बोलते हैं. so you can, you have to write your last name here as well as this last name okay so third question what is your middle name it means your father name you have to write here your father name or this name okay hope you understand so let us see the next question a proper noun always begins with a capital letter अभी हमें पता है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं जो फिक्स नाम होते हैं पर्सन व्यक्ति के नाम हो या फिर जगह के नाम हो या फिर किसी भी वस्तु के नाम हो जो प्रॉपर नाउम्स होते हैं फिक्स नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं सो यू हैव टू राइट हियर ऑल्सो क्वेश्चन दैट रे राइट इच सेंटेंस करेक्टली तो आपको यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं वो करेक्ट लिखना है करेक्ट लिखना है मतलब क्या करना है जो भी इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन है उस प्रॉपर नाउन को आपको कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट करके फिर से वो सेंटेंस लिखना है so let us see here first sentence neha is my sister and this in this sentence neha this is our proper noun and we know that our proper noun always start with capital letter so here you have given small letter that is wrong so you have to correct this sentence by writing capital letter okay of that proper noun and in this way you have to solve all this sentence at your home okay so you have to underline of your proper nouns all these in sentences and you have to write just capital letters of these proper nouns okay in this way my dear students we had learned now what is meant by proper nouns proper nouns means the name of a particular person place or thing okay and always proper nouns written by capital letters you know very well now okay so now we are going to learn what is meant by common noun so let us learn now look at the textbook page number 82 so here you have given about the information that common nouns what is meant by common nouns so let us learn common nouns are the names of ordinary things see around us we can use a common noun for person places or things of the same kind कॉमन नाउंस वो नाउंस होते हैं जो हम हमारे सामने देखते हैं और हम सबके लिए वो यूज़ कर सकते हैं मतलब उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं होती सब जो भी नाउंस होते हैं वो कॉमन नाउंस में हम उसको सब सब एक ही साथ मतलब कॉमन नाउंस को हम इंक्लूड uh, करते हैं या फिर बोलते हैं हाउ अस से द एग्जाम्पल निशा इज अ गर्ल नेक्स्ट निशा इज अ गर्ल नेक्स्ट रिचा इज अ गर्ल इट मीन्स misha nisha richa these are the names of that girls you can see here misha nisha and richa we know that these are the girls it means this girl name we added to all these girls for all these girls it means this girl is called common nouns अभी यहाँ पे क्या है कि बच्चों मिशा निशा चाहिए यहाँ पे जितने भी गर्ल दिए हैं जितने लड़कियाँ दिए हैं उनके स्पेशल नाम है इट मींस मिशा निशा और रिचा ये हमारे प्रॉपर नाउन से क्योंकि वो फिक्स नाउन है उन लड़कियों के बट इन सबको मिला के हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं गर्ल ये सब क्या है लड़कियां हैं बट इनके नाम क्या है अलग अलग है ना जो ये अलग नाम है वो प्रॉपर नाउन होते हैं और इनको सबको इंक्लूड करके जो हम बोलते हैं कि जो ये लड़कियां हैं तो वो गर्ल ये जो वर्ड है वो हमारा होता है कॉमन नाउन ओके दिस वे जो भी हम सब मिलके मतलब किसी एक के लिए वो स्पेशल नहीं है तो सब के लिए वो वही नाम आएगा उसे हम बोलेंगे कॉमन नाउन ओके दिस वे दस गर्ल इज अवर कॉमन नाउन सो नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सी हियर अनु हैज अ पेन अशू हैज अ पेन एंड मनु हैज अ पेन यू कैन सी इन दिस सेंटेंस अल्सो अ पेन अ पेन एंड अ पेन इट मीन्स दिस पेन वर्ड वी एडेड टू ऑल दिस सेंटेंस इट मीन्स अनु अनु के पास भी पेन है अशू के पास भी पेन है पर मनु के पास भी पेन है इसका मतलब है कि पेन ये जो हमारा वर्ड है जो सबके लिए यूज किया गया है तो वो ये पेन वर्ड हमारा कॉमन नाउंस में आता है ओके okay. और ये जो अनु अशु मनु ये जो नाम हैं यहाँ पे दिए हुए बच्चों के तो ये नाम क्या है हमारे प्रॉपर नाउंस से सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर दैट विच आर द कॉमन नाउंस ऐसे नाउंस जो सब के लिए एक ही होते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉमन नाउंस ओके सो लेट अस सी हियर ऑल्सो द लिली इज अ फ्लावर द रोज इज अ फ्लावर द डेजी इज अ फ्लावर इट मींस यहाँ पे भी हम देख रहे हैं फ्लावर 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 ये जो वर्ड है ना फ्लावर दस फ्लावर इज अवर कॉमन नाउन अभी यहाँ पे लिली ये जो न, फ्लावर का नाम है ये स्पेशल नाम है उस फ्लावर का लिली देन रोज देन डेजी दिज आर द सेपरेट नाउन्स स्पेशली नाउन्स दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स एंड फ्लावर ये सब क्या है सबको मिला के जो कॉमन नाउन है वो है हमारा फ्लावर सो so, फ्लावर दिस इज आवर कॉमन नाउन you can see also last example here miss lata is a teacher next miss kunti is a teacher and miss leela is a teacher it means here also we can see which is our common noun teacher this is our common noun because these all we know that these are uh, these have also uh, special names लता कुंती लीला ये उनके सेपरेट नाम है जिसे हम प्रॉपर नाउंस बोलते हैं बट इन सबको मिला के जो भी नाउंस आता है ये सब क्या है कि टीचर्स है इट मींस दिस टीचर दिस इज कॉल्ड अवर कॉमन नाउंस अभी इन सारे सेंटेंस में से टीचर फ्लावर पेन एंड गर्ल ये सब जो भी नाउंस हम देख रहे हैं तो वो क्या है कॉमन नाउंस में आते हैं जो कि सबके लिए है एक ही होते हैं सबके लिए अलग अलग तो नहीं आते ना कॉमन नाउंस क्या होते हैं सब एक ही सबके लिए एक ही नाउन होता है मतलब गर्ल गर्ल्स ही आता है पेन पेन ही है फ्लावर फ्लावर टीचर टीचर इट कितने प्रॉपर में कितने भी आ, अलग अलग नाउंस हो सकते हैं पर जो कॉमन नाउंस होते हैं वो एक ही आएगा सबके लिए जो एक नाम होता है उसे ही हम बोलते हैं कॉमन नाउन होप्स यू अंडरस्टैंड सो लेट अस सी द एक्सरसाइज ऑन द नेक्स्ट पेज यू हैव गिवन हियर सम ऑफ द वर्ड्स इन लेफ्ट साइड

दो कॉलम किए हैं एक साइड में कॉमन नाउन जो भी है इसमें से फाइंड आउट करना है और यहाँ पे लिखना है जो प्रॉपर नाउन है वो भी इसमें से फाइंड आउट करना है और यहाँ पे लिखना है सो so, अभी जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान में क्या रखना है प्रॉपर नाउन कौन से है वो प्रॉपर नाउन जिसको हम स्पेशली नाम देते हैं ओके okay? कोई भी चीज हो कोई भी जगह हो या फिर कोई पर्सन हो उसका जो स्पेशल नाम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है यू शुड रिमेम्बर इट आल्स ओके okay? एंड जो कॉमन नाउन होते हैं वो कॉमन नाउन हमारा सबके लिए एक ही नाउन आएगा उसे हम बोलेंगे कॉमन नाउन सो यू शुड राइट लाइक दिस आई विल ऑल्सो आई सोल्व इट फॉर यूर सेल्फ सो यू शुड चेक दिस एंड सॉल्व यूअर टेक्स्ट बुक ऑल्सो ओके होप्स यू अंडरस्टैंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर राइट इन यूर एक्सरसाइज बुक ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में भी लिखना है और आपको आपके बुक को भी सॉल्व करना है सो फर्स्ट क्वेश्चन फोर कॉमन नाउंस डेट बिगीन्स विद द लेटर ए आपको ऐसे फोर कॉमन नाउंस लिखने हैं फोर नाउम्स लिखने हैं कौन से नाउम्स कॉमन नाउंस पर कौन से जि, जिससे मतलब जिस वर्ड्स का जिस कॉमन नाउंस का फर्स्ट लेटर ए आता है ऐसे नाउंस आपको यहाँ पे रेड डाउन करना है वो भी कॉमन नाउंस सो यू हैव टू गिवन हियर फर्स्ट एंड नेक्स्ट आर्टिस्ट एनिमल एंड एक्टर फर्स्ट लेटर सबके ए ए आए है और ये सारे नाउन्स कॉमन नाउन्स में आते हैं इन दिस वे सेकेंड क्वेश्चन यू हैव ऑल्सो सॉल्व फोर प्रॉपर नाउन्स दैट बिगिन्स विद द लेटर ए ए लेटर से स्टार्ट होने वाले प्रॉपर नाउन्स लिखने हैं फोर ओके okay? अंबाला अजय अहमदनगर अनवी दीज आर द प्रॉपर नाउन्स दैट बिगिन्स विद ए लेटर सो थर्ड क्वेश्चन यू कैन सी हियर फोर कॉमन नाउन्स दैट बिगिन्स विद द लेटर बी बी लेटर से स्टार्ट होने वाले फोर कॉमन नाउम्स आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है सो यू हैव टू राइट योर बॉल बैट बेबी बर्ड दिज आर ऑल्सो इन कॉमन नाउम्स सो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर प्रॉपर नाउ्स दैट बिगिन्स विद लेटर बी सो यू हैव टू राइट यर प्रॉपर नाउम्स दैट बिगिन्स विद बी दैट इज बॉब बेला बियन बारबी इन दिस वे नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ फोर कॉमन नाउम्स फॉर पीपल कॉमन नाउंस लिखने हैं पर कैसे कॉमन नाउंस जो कि पीपल के लिए यूज किए जाते हैं एज लाइक द टीचर डॉक्टर फार्मर ड्राइवर दीज आर द कॉमन नाउंस दैट इज यूज फॉर पीपल ओके नेक्स्ट फोर प्रॉपर नाउंस फॉर पीपल प्रॉपर नाउंस ऐसे लिखने हैं जो पीपल्स के लिए यूज किए जाते हैं सो नीना राजेश लूसी जॉन दीज आर ऑल्सो प्रॉपर नाउंस सो यहाँ पे जो मैंने नाउंस लिखे हैं वही लिखना है ऐसा कुछ ऐसी कुछ बात नहीं है तो आप आपके आ, मन से जो भी आपको आते हैं वो भी नाउन आपको लिख सकते हैं यहाँ पे बट ध्यान रखना है ए से स्टार्ट होने वाले बी से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे भी पीपल्स के लिए जो यूज करते हैं वही नाउम्स आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है ओके अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड सॉल्व योर आंसर होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स वी हेर लर्न टूडे प्रॉपर नाउम्स एंड कॉमन नाउम्स थैंक यू